रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ ही देर बाद तेजस में उड़ान भरेंगे। आपको बता दें कि बेंगलुरु के एचएएल एयरबेस पर वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो बैठे हुए दिखाई देंगे इसी तेजस विमान के भीतर, क्योंकि तेजस जो है वो देश में बना हुआ यानी कि एक देसी हल्का लड़ाकू विमान है और इसे एचएएल ने खुद तैयार किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस विमान को तैयार किया। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको बेंगलुरु के एचएएल एयरबेस से दिखा रहे हैं जहां पर ये विमान तैयार है अब से कुछ ही देर बाद उड़ान भरने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले वायुसेना चीफ मिग में भी उड़ान भर चुके हैं और आज रक्षा मंत्री तेजस की उड़ान से वायुसेना में जोश भरेंगे। दरअसल एक ऐसी एक्सरसाइज, एक ऐसी पल होता है जब इस तरह से रक्षा मंत्री हो या फिर वायुसेना चीफ हो, ये तमाम लोग इस खास एयरक्राफ्ट में इसलिए उड़ान भरते हैं ताकि ये प्रतीकात्मक बन जाए और ये सेना में भी एक तरह से जोश भर सके। पूरे देश में इस तरह की तस्वीर जब जाती है तो जाहिर तौर पर ये जो एयरक्राफ्ट है जिसे खास तरीके से इस बेड़े में शामिल किया गया है यानी कि वायुसेना में शामिल किया है, इसकी और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, रक्षा मंत्री वहां एयरबेस पहुंच चुके हैं और आपको यह भी बता दें कि 40 ऐसे तेजस विमान भारतीय बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं, लेकिन और मांग है इस तेजस की यानी कि 83 और ऐसे विमान शामिल किए जा सकते हैं आने वाले वक्त में जिसकी लागत करीब 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की होगी। और अब बात देसी लड़ाकू विमान तेजस पर रक्षा मंत्री की सवारी की करेंगे क्योंकि पहली बार देश के रक्षा मंत्री स्वदेशी लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगे। 3 साल पहले तेजस को वायुसेना में शामिल किया गया था, अब तेजस का अपग्रेडेड वर्जन भी आने वाला है। देश के दुश्मनों को धरती से आसमान तक थर्रा देने की ताकत रखने वाला, अपनी धरती पर अपनी तकनीक से बना लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की आन बान और शान तेजस आज एक और इतिहास रचने जा रहा है। आज पहली बार देश के रक्षा मंत्री तेजस में उड़ान भरने वाले हैं। बेंगलुरु में सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उड़ान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वैसे तो वायुसेना में तेजस का सफर अब तक सफलता के कई मुकाम हासिल कर चुका है, लेकिन रक्षा मंत्री की इस पहल से वायुसेना के हर सैनिक का हौसला बुलंद होगा। लड़ाकू विमान का यह सफर अपने आप में कई चुनौतियों वाला होता है। तेजस पर सवार होने से पहले एक खास जी शूट पहना जाता है। जी शूट उड़ान के दौरान पायलट और को पायलट के खून के दबाव को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। जी शूट के साथ एक खास हेलमेट भी पहनना होता है। इस हेलमेट के साथ ही ऑक्सीजन मास्क भी जुड़ा होता है जो उड़ान के दौरान कलाबाजी के वक्त शूट के साथ शरीर में खून और ऑक्सीजन का संचार बनाए रखता है। रक्षा मंत्री की ये उड़ान ऐसे वक्त में होने जा रही है जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस लड़ाकू विमानों की नई खेप तैयार करने की शुरुआत करने जा रहा है। एचएएल को 83 विमानों के लिए 45,000 करोड़ रुपए का बजट मिलने वाला है। कुछ दिन पहले ही लड़ाकू विमान तेजस की सफल अरेस्ट लैंडिंग कराई गई थी। वायुसेना के कई एयर शो में तेजस अपने हैरत अंगेज करतब दिखा चुका है। इसी साल फरवरी में तेजस को आधिकारिक तौर पर वायुसेना में शामिल किया गया है। बेंगलुरु में आयोजित एयर शो में सेना प्रमुख बिपिन रावत ने तेजस पर सवार होकर उड़ान भरी थी। देश की वायुसेना की हौसला अफजाई के बाद रक्षा मंत्री का एक दिन नौसेना के नाम होगा। कल मुंबई में राजनाथ सिंह P-75 पनडुब्बी INS खांदेरी, P-17 अल्फा जहाज नीलगिरी और भारतीय नौसेना के सबसे बड़े विमान वाहक ट्राइटेक को नौसेना में शामिल करेंगे। उससे पहले आसमान की बुलंदियों से होड़ लेता हुआ तेजस आज भारत की तरफ से टेढ़ी नजर रखने वाले दुश्मनों के लिए अपनी हद में रहने की चेतावनी दे चुका होगा। नागार्जुन, बेंगलुरु आज तक। तो तेजस की खूबियां आपने देखी और इसी तेजस पर बैठकर अब से कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उड़ान भरेंगे। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से पहले भी जो खास विमान वायुसेना में शामिल किए जाते हैं उन्हें सांकेतिक तौर पर उड़ाया जाता है ताकि वो सेना में जोश भर सके।
अपनी धरती, अपना आसमान और समंदर की लहरों पर अपना ही प्रहरी। जी हां, हिंदुस्तान के साथ तेजस का सफर सुरक्षा और स्वाभिमान का सफर है। 2003 में तेजस के नामकरण से 2016 तक वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की कहानी वैज्ञानिकों की बेमिसाल क्षमता और कामयाबी की कहानी है। ये है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। अपनी क्लास का सबसे हल्का और सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ने वाला लड़ाकू विमान। हिंदुस्तान के आसमान पर स्वाभिमान की उड़ान भरने वाले तेजस के सफर की शुरुआत साल 1980 में हुई थी। मकसद था पुराने पड़ रहे मिग 21 की जगह नया बेड़ा तैयार करना। ।2003 में हल्के लड़ाकू विमान का नामकरण हुआ तेजस। बेंगलुरु में HAL के वर्ल्ड क्लास प्लांट में तेजस का सपना आकार लेने लगा। एक तेजस को बनाने की लागत करीब 300 करोड़ रुपए है। 1 जुलाई 2016 को देश का पहला तेजस वायुसेना में शामिल हो गया। इसके बाद शुरू हुआ आवाज की रफ्तार से आगे निकलने वाले तेजस का सफर। तेजस मार्क 1 के बाद तेजस मार्क 1A और उसके बाद तेजस मार्क 2 का लक्ष्य। अपने नाम की तरह तेजस लड़ाकू विमान दुश्मनों से मुकाबला करने के कई दांव बेहद तेजी से चल सकता है। आसमान में तेजस की सीमा 50,000 फीट तक उड़ान भरने की है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस को कम्मता किए ये 9,800 किलो तक वजन उठाकर हवा से बातें कर सकता है। तेजस की लंबाई 13.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। तेजस का वजन 6,560 किलोग्राम है। तेजस से वायुसेना की ताकत कितनी बढ़ जाएगी इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। तेजस हवा से हवा में ही नहीं, हवा से धरती पर मिसाइल हमला करने में भी सक्षम है। तेजस से एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी छोड़े जा सकते हैं। 1,350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजस एक उड़ान में 2,300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तेजस में लगे लेजर गाइडेड बम दुश्मन के ठिकाने पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन से लेकर देश की किसी भी सरहद पर तेजस अपनी तेजी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। उड़ान भरने के लिए इसे हमेशा बड़ा रनवे नहीं चाहिए। तेजस 460 मीटर चलने के बाद ही हवा में उड़ सकता है। यही नहीं, युद्ध काल के लिए बेहद उपयोगी क्षमता। तेजस हवा में ही तेल भरवा सकता है। विमान का ढांचा भी भारत में बने कार्बन फाइबर से बना है जो किसी और धातु की तुलना में ज्यादा हल्का और मजबूत होता है। विमान में एक महत्वपूर्ण सेंसर है जो दुश्मन के विमान या जमीन से हवा में दागी गई मिसाइल के तेजस के पास आने की सूचना देता है। अगर ताकत की बात करें तो तेजस पुराने मिग 21 से कहीं ज्यादा आगे है और मिराज 2000 से इसकी तुलना की जा सकती है। यही नहीं, चीन और पाकिस्तान के साझा उपक्रम से बने JF-17 से कहीं ज्यादा बेहतर है। तेजस का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी जबरदस्त है। तेजस तैयार है इस वक्त की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए और अब तो इसकी अगली पीढ़ी भी तैयार हो रही है जो भारत को मजबूत और सुरक्षित भविष्य देगी। बेंगलुरु से नागार्जुन द्वारकानाथ के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। तो जितना खास तेजस है उतनी ही खास ये तस्वीर भी है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस खास तरीके के सूट को पहनकर तैयार हो चुके हैं तेजस में उड़ान भरने के लिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दरअसल जी सूट होता है जिसे पहना जाता है रक्त संचार नियंत्रित करने के लिए। जब आप इतनी हाइट पर उड़ान भर रहे होते हैं तेजस के भीतर ये सूट पहनना अनिवार्य होता है और उसी को पहनकर
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तैयार हैं, अब से कुछ ही देर बाद वो तेजस विमान में उड़ान भरेंगे। कई सारी खूबियां हमने आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाई जो इस तेजस विमान में मौजूद रहती हैं। F-17 से भी बेहतर ये विमान माना जाता है, खास तौर पर जब युद्ध जैसी स्थिति हो तब तेजस काफी ज्यादा कारगर होता है, क्योंकि हवा में ही इसमें ईंधन यानी कि तेल भरा जा सकता है। इसे खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि इसका खुद का वजन काफी हल्का रहे, यानी कि तकरीबन 6000 के आसपास, 6000 किलो के आसपास इसका वजन होता है। और ये दो तस्वीरें अपने आप में बयां करें कि आज का दिन कई मायनों में खास है। तो जैसे ही रक्षा मंत्री उड़ान भरेंगे हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, ट्रैफिक नियमों में बढ़े जुर्माने के खिलाफ आज दिल्ली और एनसीआर में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। मतलब आज दिल्ली में ना टैक्सी चल रही है ना ऑटो चल रहा है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जैसे तैसे यहाँ पर स्टेशन पर खुद से ही पैदल चल रहे हैं, गाड़ी यहां पर नहीं मिल रही है। इस सूरत में लोगों को सामान के साथ हाईवे पर पैदल चलना पड़ रहा है। कुछ टैक्सी ऑटो वाले सवारी ले जा रहे हैं लेकिन उनके साथ मारपीट की खबरें हैं। और जब भी इस तरह की हड़ताल होती है हमने देखा है कि इस तरह से ऑटो वाले हों टैक्सी वाले हों मुंह मांगा किराया वसूल करते हैं। ऐसे में यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन कोई भी वैकल्पिक सुविधा इस वक्त वहां पर मौजूद नहीं है। इस वक्त हम लोग पीछे लोगों का हुजूम पैदल जा रहा है। यहाँ पर कई लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं ऑटो यूनियन की स्ट्राइक के साथ। कितनी देर से जा रहे हैं? मैं आधे घंटे से कहाँ जाना है सर? कितने किलोमीटर? नोएडा जाना है। कितने किलोमीटर आपको आज पैदल चलना पड़ा है सर? अभी दो तीन किलोमीटर पैदल चलना है। और कितनी दूर अभी और जाना है? अभी तो 10 किलोमीटर कम से कम जाना है। 10 किलोमीटर कैसे जाएंगे कुछ अभी तक पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। करीब एक घंटे में विजयनगर से पैदल आ रहा हूँ। विजयनगर से कितना है दूर यहाँ से? विजयनगर 3 किलोमीटर है। अभी कहाँ जाना है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर हंगामा देखने के लिए मिला। ये देखिए तमाम लोग यहाँ पे इस टैक्सी चालक को घेर कर खड़े हुए हैं, और जो लोग इस टैक्सी से जाना चाह रहे थे कहीं ना कहीं उस चालक को यहाँ पर विरोध झेलना पड़ा। और ये तमाम जो यहाँ पर टैक्सी चालक और ऑटो चालक मौजूद आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये अब शोर के जरिए और यहाँ पर अब कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हैं। आपने क्या टैक्सी बुक कर ली थी? टैक्सी बुक कर ली थी, टैक्सी आ गई। मुझे वेदांता हॉस्पिटल जाना है, हमारे रिलेटिव का ऑपरेशन है और बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो रही है और अर्जेंट मुझे पहुँचना है वहाँ पर। तो आप टैक्सी में बैठ गए थे, लोगों ने उतार दिया? लोगों ने उतार दिया है मुझे। हाँ, ओला बुक करी थी मैंने, ओला बुक कर दी थी, यहाँ आके खड़ी हो गई। मैं बैठ गया था, सामान मैंने रख लिया था अपना। कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आ रहा हूँ। सिर्फ हॉस्पिटल जाने के? जी 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 जी, सीधे मुझे हॉस्पिटल ही जाना है। मेरा वेट गाबा हुआ, लोग यहाँ शोर हो रहा है। जी 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 जी, बहुत शोर हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। चलिए, ये वो शख्स हैं दरअसल जो कानपुर से आए, इन्हें अस्पताल जाना है और ओला इन्होंने बुक कर ली थी। और यहाँ पर जो आपने हंगामे की तस्वीर आपने देखी, ये देखिए यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो अब इकट्ठे होकर शोर कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त परेशानी का सबब है क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के चलते लोग अब पैदल ही यात्रा करने को मजबूर हो गए हैं। आनंद विहार ले लें, निजामुद्दीन हो या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहां पर जो यात्री हैं इस वक्त टैक्सी और ऑटो ना मिलने की वजह से परेशान हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।